हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अगर कचरे वाली गाड़ी नहीं आई तो हम सब जितनी यहाँ लेडीज खड़ी सब कचरे ले जाके नगर पालिका ऑफिस में फेंक देंगे। तब अब गाड़ी यहाँ बराबर रहेगी, कचरे का डिब्बा भी यहाँ बराबर खड़ा रहेगा। यही डिमांड करेंगे ना प्रशासन से कि भाई इनकी बदली करो, या तो फिर एक काम करके दिखा, हमारे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि भाई ये यहाँ से छोड़ के कहीं और जाए, दूसरा भी आदमी आएगा वो भी पकड़ लेगा, काम करेगा। ये अगर काम करते तो रहे, नहीं कर सकते तो बोल दे भाई हमसे नहीं होता है, घर बैठ जाओ। कितने दिन में आते हो इधर सफाई करने? सब बोल रहे हैं रेगुलर आते नहीं, बराबर कचरा ही है, जब गाड़ी खराब हो रही थी हमारी, अरे कचरा भी बढ़ गया कम दिन में। ये लोग का ऐसा बढ़ गया था, अब डबल ट्रिपल फेरी मारो ना। ये लोग का ऐसा बोलना है तीन तीन दिन चार चार दिन कचरा उठाने नहीं आते, सही है क्या? नहीं नहीं पूछो मंगल, अभी यहाँ की पब्लिक ही बोल रही है गाड़ी खराब होती तीन दिन के बाद। वही गाड़ी उनकी वहाँ पे खड़ी रहती है चर्च के ऑपोजिट में, वहाँ से कचरा उठा के लेके जाते भरते, यहाँ पे तो आते नहीं, आए तो आए थे ठीक है, नहीं तो भी आते ही नहीं। दोस्तों इस समय में खड़ा हूँ ये वसई कोलीवाड़ा के पीछे की गली में, कोलीवाड़ा मस्जिद के पीछे की गली में। यहाँ के निवासी आप देख सकते हैं, ये लोग कुछ लोग जमा है और ज़्यादातर महिलाएं हैं, इनकी अपनी कुछ समस्या है, उस समस्या को दिखाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इनकी समस्या ऐसी है कि इनकी शिकायत ऐसी है, वसई विरार महानगर पालिका जो टैक्स पूरा वसूलती है लेकिन सुविधा कुछ नहीं देती है। आप सभी को मालूम है इस साल वसई विरार महानगर पालिका ने घरपट्टी टैक्स के नाम पर 321 करोड़ की वसूली वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत की है। वो पैसा किन से लिया है? क्षेत्र की जनता से लिया है, लेकिन उस जनता को बदले में महानगर पालिका क्या देती है उसका नमूना हम देखने आए हैं। तो बेसिक, सबसे बेसिक चीज पानी कचरा इस तरह की जो चीज है उस पर भी वसई विरार महानगर पालिका का लक्ष्य नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आरोग्य विभाग जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नकारा हो गया है। इनकी ऐसी शिकायत है कि चार चार दिन तक इनके यहाँ कचरा उठाने कोई नहीं आता है, इनके घरों में कचरा सड़ जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और बदबू तक आने लगती है। लेकिन चार दिन बाद, तीन दिन बाद कभी बहाना बनाते हैं कि गाड़ी ख़राब है, कभी जो स्वच्छता अधिकारी कर्मचारी वो बोलते गाड़ी ख़राब है, कभी बोलते कुछ बहाना बनाया, कभी कुछ बहाना इस तरह से। और कमोबेशी हाल सिर्फ यहाँ मस्जिद के पीछे की गली का नहीं है, हमने वहाँ चर्च की तरफ गए थे, वहाँ का भी जायजा लिया, वहाँ के लोगों ने भी कुछ ऐसी ही शिकायतें की है। अब आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि इस बारे में हमने अभी स्वच्छता निरीक्षक से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने ऐसा बोला कि उनको ऐसी कुछ शिकायतें आई नहीं है, आएंगी तो वो ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। तो ठीक है, स्वच्छता निरीक्षक ने जो कुछ कहा वो उनका उनका कहना अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक जो यहाँ शिकायत कर रही है वो हम आपको भी दिखाने वाले हैं। एक चीज़ और भी है कि इस बारे में एक आपको ये छोटी सी जानकारी दे दूँ, हाल ही में मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत मैं गया था तो वहाँ कचरा डब्बा है उसकी जानकारी मैंने मांगी थी, तो स्पेशली वसई प्रभाग आई में मुझे ऐसा बताया गया कि 2019 में 1400 कचरे के डब्बे आए थे, उसके बाद से कचरे का डब्बा 2019 के बाद से नहीं आया है। ऐसा बताया गया कि मुख्यालय से 2019 के बाद में डब्बे नहीं भेजे गए। अब मेरा सवाल यह है कि करोड़ों का बजट जब होता है, करोड़ों रुपए जब महानगर पालिका की आय है, 321 करोड़ सिर्फ घरपट्टी टैक्स से महानगर पालिका अर्जित कर रही है, तो वो पैसा जाता कहाँ है? एक कचरे का डब्बा महानगर पालिका, अगर हजारों की तादाद में यहाँ घर है, हजारों की तादाद में मालमत्ता है और उसमें सिर्फ 1400 डब्बे। मैंने इसके लिए महानगर पालिका मुख्यालय में जाकर मुख्यालय के लोगों से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी जानकारी छिपाई है, अब तक जानकारी दी नहीं है। मुझे ये कहा गया था कि आपको व्हाट्सएप पे हम इसकी जानकारी पूरी भेजेंगे, लेकिन वो जानकारी दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता विभाग जो है वो क्या कर रहा है, क्या गोलमोल कर रहा है, इसका अंदाजा आप खुद पूछिए जाके, तब आपको मालूम पड़ेगा। हम करते हैं यहाँ के लोगों से चर्चा। वाला ने, गटर वाला ने, बारिश वाला आ रहा है, वो भी कचरा इधर रख के जा रहा है, गाड़ी वाला नहीं आ रहा है। लो आ जाओ फटाफट बोलते समीर, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी अपने टाइम पे नहीं आते और किसी को बोले तो जाके कंप्लेन करते, बोले जाके कंप्लेन करो,
फिर हम लोग आएंगे ऐसा कंप्लेंट करो तो ही आएंगे। वही कर तो आएंगे। कचरा उठाने डेली आदमी आता है कि नहीं? डेली नहीं आते लोग, एक दिन कचरा छोड़ के दो दिन में आते हैं, कभी कभी तो कचरा छोड़ के चलते, कभी दो दिन में आते, कभी तीन दिन में आते। बोले तो आप उनको जवाब दे दे, गाड़ी का डब्बा एक ही जवाब देते हैं आप बोलते हैं कि हम टैक्स भर रहे हैं, घर पट्टी भर रहे हैं, तो हमको तो बोलने का ना, घर पट्टी कम किया कि आदमी क्यों कम किया, ऐसा बोलने का पता नहीं। वीक में दो बार आता है, तीन बार नहीं आता, ऐसा करता है। आगे उधर आता है, हमारे उधर नहीं आता है। क्या परेशानी है ज्यादा? तो इधर कचरे वाला आता नहीं है, दिन भर में इधर डब्बा कचरे का भरा हुआ रहता है, तीन तीन चार चार दिन निकल जाते हैं, और आता है तो यहाँ पे खाली वो ढोल बजा के चला जाता है, कोई डालता है नहीं डालता है, कचरे वाले चले जाते हैं, और झाड़ू वाले भी ऐसे बोलते हैं गाड़ी खराब है इसलिए नहीं आए। 5 मिनट में तो चले जाता है, पूरा कचरा भी है। हां, नहीं नहीं की अभी तक किए नहीं, क्या उन लोग पे ध्यान नहीं देते ना, इसके लिए उन लोग को ज्यादा चढ़ी हुई रहती है। उन लोग को मालूम है था, कोई औरत बोलेंगी नहीं, डब्बा रखो चले जाओ यहाँ से, घर के अंदर गंदगी रहती है, लोग देखने तो आते नहीं। आज चार दिन से आया है वो, हमेशा इसी तरह वो लेट होता है, और रमजान में ज्यादा कचरा होता है, इन लोग को मालूम रहता है ना, रमजान में ज्यादा कचरा होता है, तो किस लिए आएंगे यहाँ पे? है भी नहीं कचरा फेंकने का, की माहौल कहीं फेंके। अच्छा, यहाँ आपके इधर जनरली कचरा फेंकने का डब्बा नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पे, डब्बा है नहीं, डब्बा जगह पे डब्बा रखते है, ऐसी छोटी मोटी जगह पे डब्बा थोड़ी रखेंगे लोग, उन लोग को भी अच्छी जगह चाहिए डब्बा रखने के लिए, बिल्डिंग में रखते खाली। यहाँ डिब्बा रखा जाए, रोज का रोज कचरा वाला आना चाहिए, क्या हमारे घर छोटे छोटे रहते हैं, कचरे घर में सड़ते रहते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ फेंका, यहाँ दूसरी जगह है नहीं कचरा फेंकने के लिए। कब्रिस्तान के पास कब्रिस्तान जाना, यहाँ कब्रिस्तान यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग कहाँ जाए, बच्चे लोग को भेज नहीं सकते, कचरा घर में रखा रहता है, बदबू आने लगता है। हमारी ये मांग है कि यहाँ कचरे का डिब्बा रखा जाए, और रोज का रोज कचरा वाला आना चाहिए, कचरा लेके जाना चाहिए। अगर कचरे वाली गाड़ी नहीं आई तो हम सब जितनी यहाँ लेडीज गाड़ी सब कचरे ले जाके नगर पालिका ऑफिस में फेंक देंगे, तब अब गाड़ी यहाँ बराबर रहेगी, कचरे का डिब्बा भी यहाँ बराबर खड़ा रहेगा। मेरा नाम दस्तगीर सैयद है, मैं इधर कोलियावाड़े में रहता हूँ, प्रभाग समिति आई में कोलियावाड़ा मस्जिद के पीछे। क्या इशू है और क्या हमारे यहाँ समस्या? कचरे की है, साफ सफाई की है, आज इतनी बीमारी फैली हुई है, अभी फिलहाल लोग जो है तो कोरोना से मुक्त हुए हैं, जरा सा लोगों के ऊपर से गवर्नमेंट ने मास्क वगैरह लगाने के लिए भी मना कर दिया, लोग खुली सांस जरा लेना चाहते, लेकिन महानगर पालिका जो तो लोगों को खुली सांस लेने देना नहीं चाहती, यानी लोगों की ध्यान नहीं देती है, बीमारी वगैरह जो फैलती है तो कचरा वगैरह लोग बराबर उठाते नहीं। आज चार दिन पर कचरे वाले आए, और मैंने खुद विकास पाटिल को कई बार मैसेज किया, फ़ोन किया, बीच में तीन दिन चार दिन पर नहीं आते, तो मैं हर बार मैसेज करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, क्योंकि हम बार बार जो है तो उनको फ़ोन और मैसेज ही करते रहे, तब वो लोग आदमी भेजेंगे। नहीं, लिखा विकास पटेल से मैंने बात किया तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ से शिकायत नहीं की। नहीं, मेरे पास मेरे फोन में व्हाट्सअप है, कॉल है, सब है, मैंने कितनी बार उनको कंप्लेंट किया तो वो भेजते हैं, वो चार पाँच दिन पहले भी फोन किया था, हर यानी हर 15 दिन 8 दिन पे उनको फोन करना पड़ता है, तब जा करके वो लोग आदमी को भेजते हैं, तो यानी हम काम धंधे छोड़ के कचरे वाले को बुलाते बैठने का डेली, ये इनका काम नहीं है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, किस चीज़ की पकड़ ले रहे लोग? अगर ये लोग ये सब काम नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते, या तो फिर घर पट्टी लेना छोड़ दे तो पब्लिक अपने हिसाब से प्राइवेट अपना कचरा उठाने वाला रख लेंगे, और या तो फिर नौकरी छोड़ दे अगर नहीं संभाल सकते, किसी और जिम्मेदार अच्छे आदमी को बिठाओ उस पोस्ट पे। फिर महानगर पालिका में ये लोग कई सालों से इधर टिके हुए हैं, तो इन लोग को ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं ध्यान देते तो इन लोग की बदली कर दो। फिर लोग यहाँ पे परेशान है कचरे की वजह से, कितनी महिलाएं परेशान है, इनकी बदली से आपका आपकी समस्या हल होगी क्या? अब यही उम्मीद कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, अभी जब ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग यही डिमांड करेंगे ना प्रशासन से कि भाई इनकी बदली करो, या तो फिर ये काम करके दिखा, हमारे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि भाई ये यहाँ से छोड़ के कहीं और जाए, दूसरा भी आदमी आएगा वो भी पकड़ लेगा, काम करेगा, ये अगर काम करते तो रहे, नहीं कर सकते तो बोल दे भाई हमसे नहीं होता है, घर बैठ जाओ। आपका नाम? जॉनी, जॉनी फोंसेगा। जॉनी सर, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कचरा जो हम लोग को डालना पड़ता है वो बार बार आते नहीं, दो दो तीन दिन के बाद में आते हैं, वो उनका गाड़ी वगैरह आके उधर खड़ा रहता है, कचरा वहाँ से भर के जाते हैं, यहाँ पे आते नहीं, आज आ गए, अभी कल भी आएंगे,
दो दिन आएंगे, बाद में वो सैटरडे को दिखाई नहीं देंगे। क्यों आज और कल आएंगे? क्योंकि हम लोग का अभी फास्टिंग चालू है ना, हम लोग का चर्च का फास्टिंग चालू है, तो ये रास्ता वगैरह साफ करने के वो हिसाब से हम लोग आ रहे हैं। हाँ त्यौहार नहीं, मतलब हम लोग का ये लेंस चालू है ना, हम लोग का फास्टिंग चालू, इसलिए हम लोग आ रहे हैं अभी। अभी दो दिन के बाद में वो दिखाई नहीं देंगे आपको वैसा। क्या दिक्कत आपको? हमको दिक्कत है कि रोड पे कचरा तीन तीन चार चार दिन तक ये लोग नहीं आते हैं, साफ सफाई नहीं होती है बरोबर, और रोड के जो है पब्लिक को तकलीफ होती है, बच्चों लोग को तकलीफ होती है, नमाजी जो आते हैं उनको तकलीफ होती है। रोड के कचरे की प्रॉब्लम है कि घर से भी, घर के भी कचरे की तकलीफ है, घर के कचरे की भी तकलीफ है, आते है कभी नहीं आते, तीन तीन चार चार दिन से तक नहीं आते वो लोग। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इधर साफ़ सफाई होना चाहिए और पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आजू बाजू में बच्चों को क्या खेलने मिलने में बच्चों को सबको तकलीफ हो रही है, पूरी रोड का ऐसा ही मस्जिद तक आगे तक जाते हैं तो क्या पूरा कचरा ऐसे ही पड़े रहता है, गंदगी होती है, बदबू होती है, कीड़े जानवर होते हैं इसमें। जमील खान। क्या तकलीफ आपको? वो झाड़ू वाली इधर वो जो यानी कि एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के आती है, और वो जो नाली है वो कम से कम महीना दो महीना हो जाता है, छः छः महीना हो जाता है, आते नहीं है। ये हो गया 15-20 महीना भर हो गया, कर एक महीना हो गया सर। क्या मांगे प्रशासन से? क्या मांगे आप अभी? क्या साफ करें और क्या? साफ सफाई होना चाहिए, मतलब साफ सफाई होना चाहिए, सब बीमारी फैलती है इससे। और क्या? क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीम खदरी है। फाइनली क्या स्थिति है यहाँ की और क्या कुछ शिकायत है? यहाँ पे जो कचरे वाले हैं वो रेगुलर आते नहीं है, कभी कभी दो दिन का गैप हो जाता है, गाड़ी खराब हो गई तो चार दिन का गैप होता है, तो हमारे घर में कचरा सड़ते रहता है, और कभी कभी क्या होता है कचरा हम लोग को दूसरे कोई एरिया से कचरा यहाँ डाल के चले जाते हैं, तो वो भी एक शिकायत है, फिर कचरा पड़ा रहता है, और जो रेगुलर सफाई वाले वो भी आते नहीं है। हर जगह जिस तरह से कचरा कुंडी रखी जाती है वैसे कुछ कचरा कुंडी यहाँ पे है? यहाँ पे कुंडी है लेकिन वो वहाँ पे कब्रिस्तान के आगे रखी हुई है। आपके नज़दीक में नहीं? नज़दीक में नहीं है। क्या मांग है आपकी? हम लोग की कुछ मांग नहीं है कि गाड़ी रेगुलर आते जाए और बस साफ सफाई वाले लोग आके रेगुलर साफ करते जाए, बस और कुछ नहीं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।